तो मैं घर से एक फटाफट जो है ना बर्तन माजी कपड़ा पीछे मतलब ज़्यादा नहीं सता तो मैं इधर में चाय बनाने रही हूँ। मम्मी वहाँ दो बार चाय पी चुकी हूँ लेकिन अपना हाथ से चाय बना कर पीना कुछ अलग ही सुकून है। इधर मैं चाय बना ली हूँ तो देखिए इधर बदमाशी कर रहे हैं पकड़ के हैं। और देखिए मैं घर से देखिए यहाँ पपीता लेके चली हूँ। पका पका पपीता देखे तो बहुत सारा था तो मैं दो तोड़ के लेके चली आई। इसका साथ साथ देखिए पत्ती है तो अरबी का पत्ती बोला जाता है तो कुछ भी है। तो इधर मैं चाय बना ले रही हूँ। इसकी गाड़ियों भी छीन ले छीन घर से निकाली थी आप लोग देखे तो है। देखिए कितना पका हुआ है। तो मैं घर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ। मेरा काम ही है जाओ और लेके आओ। तो मैं इसको छील लेती हूँ। तो बहुत सारा था गाछ पर तो सिर्फ दो ही में तोड़ के मैंने तोड़ के नहीं भाभी तोड़ के दी मैंने दूसरा कोई मैंने गांव में भाभी ना वो दी है हमको। नहीं तो मेरा भी गाछ था हम लोग रहते नहीं हैं लेकिन सब चीज़ है। माँ बाप का कमी कभी महसूस नहीं होने देते हैं से नहीं है जाओ खाना पीना देखना टाइम टाइम पर पूछना सब होता है। जहाँ खातिरदारी हो जहाँ प्यार मिले इंसान वहीं जाता है। तो इसको मैं छील ली तो देखिए पपीता वपीता मैं छील ली हूँ। और इसके बाद मैं देखिए मैं बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ लेकिन बहुत ही कम बनाई हूँ। तो इधर देखिए पीला सरसों जीरा काली मिर्च और तीन चार लहसुन है तो उसी का मैं पेस्ट बना ली हूँ देख लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद जो है देखिए मैं यहाँ बेसन ले ली हूँ और अढ़ाई चम्मच बेसन ली हूँ। उसके बाद दो चम्मच चावल का आटा ली हूँ और आटा लेकर तो मैं यहाँ कैमरा रख के चालू करके ही मैं छोड़ दी थी और मुझे पता भी नहीं था। और मैं घर से बहुत जल्दी जल्दी आई और उसके बाद जितना काम फैला हुआ था लेकिन कहीं जाओ कहीं से आने के बाद जो घर में जो काम फैला हुआ रहता है ना मैंने एक तो थके हुए रहो ऊपर से आके काम देखो बिखरा हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है। तो मैं सभी समझती उसके बाद जो है काम करना स्टार्ट की खाना बनाई। तो यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर में रख दी हूँ इस जगह पर और हल्दी में रखूँगी और नमक। तो यहाँ मैं कोई सोडा वोडा नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ मैं सभी सामान जो है मसाला में डाल दी हूँ और जो मसाला में पेस्ट बना के रखी थी अब वो भी मैं इस जगह पर डाल दूँगी। डाल के इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक बैटर बना लूँगी लेकिन ज़्यादा पतला नहीं। देखिए मैं कैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ कहीं ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर हम बेसन डालना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा से हो चुका है। अब जो पत्ती देखिए ना धोते समय फट गया तो इसका तो जो है ना लीपा पोती करना है। तो जैसे हम लोग अपना फेस पर जो एकदम मेकअप सेकअप करते हैं ना उसी तरीक़ा से इस पत्ता को भी मेकअप से एकदम नया कर देना है। तो इधर लगा के मैं फोल्ड कर दी हूँ अगर और एक मैं बना लूँगी। तो देखिए एक छोटा एक बड़ा है इसको 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 5 मिनट ही काफ़ी है बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए 5 मिनट हो चुका है और देखिए इधर ठंडा भी हो चुका है। इधर देखिए दिखा देती हूँ और इधर मोबाइल बीमारी पकड़ लिया है अपने आप जूम हो जा रहा है। चावल दाल बैठा देती हूँ मेरे मोबाइल में अक्सर ऐसे ही होते रहता है। इधर देखिए ठंडा हो चुका है तो मैं इसको कट कर ले रही हूँ। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 3 बजने जा रहा है और मैं घर से 9 बजे ही आई थी तो भूख लगी है तो जल्दी जल्दी कर रही थी खाना वाना। तो इधर मैं इसमें राई डाल के और इधर देखिए तेल भी मेरा गिर चुका है राई डाल के और उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी चीज़ बहुत ढेर दिन बाद खाइएगा ना तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग लेवल का आता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इधर मैं उलट पलट करके इसको मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। इधर फ्राई करके मैं दूसरा भी फ्राई कर लूँगी जो छोटा वाला था ना।
तो देखिए फ्राई में कर ली हूँ, इसको मैं रख दूँगी साइड में। और अभी मैं बनाने अभी जा रही हूँ, तो मैं करेला और आलू का जो है ना भाजी बना ले रही हूँ, और दाल और सब्जी में बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, और वो जो अजवाइन का पत्ता का जो मैं बनाई बस इतना ही है नॉर्मली खाना। और मैं डेली सोचती हूँ आज मैं भात खाना छोड़ दूँगी, मैं डेली सोचते 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 ही रह जाती हूँ और छोड़ भी नहीं पाती हूँ। कोई हमको रोटी छोड़ने बोले हम एकदम छोड़ देंगे, कोई चावल छोड़ने बोलता है तो हमसे छोड़ता ही नहीं, बहुत मुश्किल है चावल छोड़ना। तो मैं इधर कट कर ले रही हूँ और सब्जी भी बना ले रही हूँ। तो मैं जिसमें फ्राई की हूँ तो उसी में मैं भाजी कर ले रही हूँ, करेला और आलू का तो ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसमें कर ले रही हूँ, ज़्यादा रहता तो कढ़ाई में नहीं है भून लेते हैं। अभी मैं जा रही खाना खाना, देखिए अभी खाना बन चुका है, एकदम गरम गरम खाना है, और खा के थोड़ा आराम करूँगी और शाम को आप फिर मिलेंगे। तो इधर देखिए जो शाम हो गया था तो मैं गैस चूल्हा में इधर साफ कर ले रही हूँ, और इधर मैं बर्तन भी माँज ली हूँ मैं इधर, और तो बर्तन माँज ली हूँ तो इधर मैं सिर्फ कपड़ा धोना बाकी था, तो मुझे दो दो बार कपड़ा धोना पड़ा मुझे। मैं आप लोग तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है शाम का, सिर्फ अब रोटी बनाना है और कुछ नहीं करना। इधर देखिए बर्तन भी एकदम धो धा के तैयार है, इधर मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। तो देखिए रोटी बन, मैं आटा इधर दूध उबाल ली हूँ, इधर आटा भी सान ली हूँ, और आज के वीडियो यहीं पर। अच्छा लगे तो कमेंट।